नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले को 21 साल पूरे हो गए हैं। इस हमले में हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, तो वहीं सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो आइए आपको दिखाते हैं 9/11 आतंकी हमले पर ये खास रिपोर्ट। आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाया था अपना निशाना। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्रैश किए थे विमान। हमले में करीब 3,000 लोगों की हुई थी मौत। इस हमले में 19 आतंकी थे शामिल। 2011 में मारा गया ओसामा बिन लादेन। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर आज ही के दिन 11 सितंबर को घातक आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में करीब 3,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। अमेरिका पर हुए इस हमले के 21 साल पूरे हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 9/11 हमले के पीड़ितों को सम्मानित करने और उन्हें याद करने के लिए देश भर में यात्रा करेंगे। दरअसल आतंकियों की ओर से किए गए इन चार हमलों में 2,977 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 19 हाईजैकर आतंकी भी शामिल हैं। वहीं जो लोग मारे गए उनमें 4 विमानों में सवार 246 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसके आसपास के इलाके में 2,606 और पेंटागन में मौजूद 125 लोग शामिल थे। मारे गए लोगों में ज्यादातर आम नागरिक शामिल थे। वहीं राहत और बचाव कार्य के दौरान 344 बचाव कर्मी, 71 पुलिस कर्मी और 55 सैन्य कर्मी भी मारे गए थे। बता दें कि ओसामा बिन लादेन ने इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए 19 आतंकियों को इसमें शामिल किया था। इन आतंकियों ने अमेरिका के विमान हाईजैक किए और फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्रैश कर दिया। दोनों बिल्डिंगों में 2 अलग अलग विमान क्रैश हुए जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। वहीं सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के 9/11 आतंकी हमले को आज 21 साल पूरे हो गए हैं। ये दिन अमेरिका के लिए काला दिन कहा जा सकता है। अमेरिका के इतिहास में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था जिसे अलकायदा ने अंजाम दिया था। वही अफगानिस्तान में बैठ ओसामा बिन लादेन ने रचा था। तो वही इस हमले के मास्टरमाइंड और अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन को उसने पाकिस्तान में घुसकर मार डाला। अमेरिका पर हुए इस आतंकी हमले के बाद महाशक्ति ने आतंक के खिलाफ बिगुल बजा दिया। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को इस बात का अंदाजा लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि इस हमले के पीछे अलकायदा का हाथ है। हमले के बाद जॉर्ज बुश ने अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा था। 10 साल बाद 9/11 हमले का बदला लिया गया। ओसामा को मारने के पूरे ऑपरेशन की निगरानी तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की थी। ओबामा ने ही ओसामा के मारे जाने की पुष्टि भी की थी। फिलहाल इतिहास के 9/11 हमले का वो काला दिन दुनिया कभी नहीं भूलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।